नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप मिश्रा। एग्जाम भूमि की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई आज हम पढ़ेंगे क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एग्जाम ट्रिक, ऐसे क्वेश्चंस जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यहां से भाई हम अपना एक नंबर या दो नंबर पक्का करेंगे एग्जाम ट्रिक के माध्यम से। बेहद आसान तरीके से हम निकालेंगे कि कैसे भाई क्वाइंस के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो बिना देरी किए हुए भाई हम आज का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, सिक्कों की संख्या वाला पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। उसने पूछा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं, यदि इनका रेशियो दिया है 5:3:1 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है हमें। बड़ा ही आसान प्रश्न है। यहाँ भाई टोटल उनकी संख्या दी है 240, उनकी दो टोटल संख्या कितनी दी है, 50, 25 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या दी है 240 और उनका रेशियो दिया है 5:3:1। तो यहां से उनकी रेशियो में संख्या हो गई कितनी, 5:3:8 और 1:9, और टोटल रुपयों में सिक्कों की संख्या दी गई है 240 और 25 पैसे की हमें सिक्कों की संख्या निकालना है जो कि रेशियो में दी गई है 3। तो यहाँ आप 3 से इसका गुणा कर देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, 3 से ये कट जाएगा, 8 बार जाएगा और यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा, 25 पैसों की संख्या निकल के आएगी 80। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। पिछला क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं हम, सेम उसी आधार पर है। यहाँ भाई उसने टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है 372, टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है 372, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 372 सिक्के उसके पास है। यहाँ उनका रेशियो दिया दे रखा है 13:11:7, उसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 13 और 7 20 और 11 क्या होता है भाई, 31। तो यहाँ से रेशियो में उनकी संख्या 31 है और सिक्कों की संख्या 372। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की बात कर रहा है तो 50 पैसे के सिक्के हमारे रेशियो में क्या है 11, यहाँ से 11 की बात कर रहा है भाई। यहाँ से भाई 31 का सीधे सीधे भाग जाएगा, 31 से आप देखेंगे एक बार जाएगा, यहाँ 62 बचेगा, दो बार जाएगा और 11 का 12 में आप गुणा करेंगे तो आप लोग जानते हैं 132, सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ से भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल के आ रही है हमारी 132, ऑप्शन सी होगा आपका, इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक थैली में 50 पैसे 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के 2, 3, 4 के रेशियो में हैं, यहाँ कुल राशि दी गई है उनकी 240। अभी तक सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ क्वाइंस दिए जा रहे थे, अब यहाँ दी जा रही है उनका मूल्य, वैल्यू, क्वाइंस की वैल्यू दी जा रही है। तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है भाई। यहाँ उसने उनकी वैल्यू बोला है कि 240 रुपए है हमारे पास, यहाँ सिक्कों की संख्या नहीं बोली है, यहाँ बोला है 240 रुपए है। अब 1 रुपए के सिक्के हमारे पास 2 हैं, तो आप 1 रुपए के 2 सिक्के आपके पास है तो उनका मूल्य कितना होगा भाई, उनका मूल्य होगा आपके पास 2 रुपए। 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं तो उनका मूल्य हो जाएगा आपका 1.5 रुपए, और 240 रुपए दिए गए हैं, हमने गलत ले लिया है। यहाँ एक थैले में लिखा है 50 पैसे से शुरू हो रहा है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये भाई आपके पास 1 रुपए हो जाएगा, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो ये भाई आपके पास मूल्य हो जाएगा 3 रुपए, 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो यहाँ से उसकी वैल्यू निकलेगी 8 रुपए। कुल वैल्यू है 240 रुपए, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं 1 रुपए, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं 3 रुपए, 2 रुपए के 4 सिक्के हैं 8 रुपए, और उसने पूछा है कि भैया कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो कुल सिक्कों की संख्या निकालना है, हम यहाँ 1 का मान निकालेंगे, यहाँ से 1 का मान निकलेगा भाई 240 बटे 8 3 11 1 12, 1 का मान निकलेगा आपका 12 2 24 20, और टोटल सिक्कों की संख्या निकालना है तो ये रेशियो दिया है 2 3 5 4 9, 9 का गुणा करने के आप 9 2 18 180, यहाँ से ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। यहाँ भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे 5 और 4 9, 9 का सीधे गुणा कर देते, यहाँ से आपका आंसर निकला था 180। आसान सा प्रश्न था भाई। नेक्स्ट देखते हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4, 5, 6 के अनुपात में है, कुल राशि
यहाँ टोटल राशि की बात कर रहा है, वो टोटल मूल्य दिया है उसने 32 रुपए है, तो प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अलग अलग हमें बताना है कि 1 रुपए का मूल्य कितना है, 50 पैसे का मूल्य कितना है और 25 पैसे का हमारा क्या डिफरेंट मूल होगा। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं, उसने टोटल बोला है आपके पास कि 32 रुपए है, 32 रुपए है, 1 रुपए की आपके पास 4 सिक्के हैं, तो आपके पास मूल्य क्या हो जाएगा, 4 रुपए। जब 1 रुपए के आपके पास 4 सिक्के होंगे तो मूल्य हो जाएगा उनका 4 रुपए। 50 पैसे के बाद आपके पास 5 सिक्के हैं, यहां से आपको मूल्य निकल के आएगा 2.5 रुपए, और 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो यहां से फिर आपका मूल्य निकल के आएगा 1.5 रुपए। 1 रुपए के 4 सिक्के हैं, 4 रुपए उनका वैल्यू होगा। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, उनकी वैल्यू निकल के आएगी भाई 2.5 रुपीज, और 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, यहाँ से उनकी वैल्यू निकल के आएगी 1.5 रुपए, और टोटल उनकी वैल्यू दी गई है 32 रुपए। तो उसने पूछा है प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से भाई, यहाँ से हम एक का मान निकालेंगे, ये होगा आपका 32, और ये हो जाएगा आपका 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 चौक 32, 4। यहां से उनकी वैल्यू निकालना है। अभी आपने क्वेंस की संख्या निकाली थी तो आप रेशियो में क्या कर रहे थे, 1 भाग का मल्टीप्लाई। यहाँ भाई उसकी वैल्यू मूल्य निकालना है, यहाँ मूल्य की बात कर रहा है। तो आप कहोगे सर 4 1 भाग का मान निकला, 1 रुपए का मूल्य 4 है, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 1 रुपए का मूल्य निकल के आएगा हमारा कितना, 16। और एक ही ऑप्शन में पहला ऑप्शन 16 दिया है, तो आगे आप लोगों को निकालने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ से हम इसका टाइम बचाएंगे और ऑप्शन ए निकाल लगा के भाई तुरंत ही आगे बढ़ जाएंगे। एक बैग में 180 रुपए हैं, सेम क्वेश्चन है, 180 रुपए कुल मूल्य दिया है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2 3 4 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। टोटल भी ये मूल्य दिया है 180 रुपए। उसने बोला है 1 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं, उनकी वैल्यू हो जाएगी 2 रुपए। 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं, उनकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 रुपए, और 25 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं तो उनका वैल्यू हो जाएगा भाई 1 रुपए। यहाँ से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो ये भाई निकल के आएगा 180/2+1=3, 4, 4.5। और यहाँ से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो दिया है कितना भाई, रेशियो में मान दिया है 3, तो आप 3 का कर देंगे गुणा। यहाँ से 3 से कटेगा 1 बार और 5 बार, 15 से कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और एक पॉइंट है तो ऊपर 0 चला जाएगा। यहाँ से भाई को आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 120, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120। तो भाई ये क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम ट्रक के रूप में, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनसे भाई आप अपना 10 सेकंड में 1 नंबर क्या कर सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।